मध्य प्रदेश लॉन बॉल एसोसिएशन द्वारा इंदौर में 4 दिवसीय लॉन बॉल नेशनल कोचिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस कोचिंग में प्रदेश के बालक व बालिका प्रशिक्षण लेने खिलाड़ियों का चयन असम में होने वाली 7वीं सीनियर लॉन बॉल प्रतियोगिता के लिए होगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यदत्त जोशी ने बताया कि आने वाले समय में लॉन बॉल भी नेशनल गेम्स में शामिल होकर भारत का नाम रोशन करेगा। लॉन बॉल खेल भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है। इस खेल को 2010 में भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया गया था, जिसमें 15 देशों ने हिस्सा लिया था। 36वीं नेशनल गेम्स में खेल शामिल है। नेशनल गेम्स आगामी नवंबर महीने में गोवा में आयोजित किए जाएंगे। यह पहली बार कोचिंग गेम यहाँ पे हैप्पी ऑर्डर्स पे आयोजित कर रहे हैं हम लॉन बॉल का, और हमारा लक्ष्य ये है कि पहली बार में मध्य प्रदेश इस टीम को पार्टिसिपेट करे और पहली बार में ऐसा लगे कि हम बेस्ट 8 में आए हैं, क्योंकि आने वाले जो 36 नेशनल गेम्स हैं जो गोवा में हो रहे हैं उसमें यह लॉन बॉल को शामिल है और विगत कई नेशनल गेम्स से यह शामिल है। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पहली बार पहुँचे और बेस्ट 8 में आए, ताकि आने वाले समय में इस खेल को मध्य प्रदेश में मान्यता मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खेलें। खेलने में कोई कठिनाई नहीं, इस खेल को कोई सा भी एज ग्रुप का बंदा उसको खेल सकता है, न तो उसको ज़्यादा फिजिक की ज़रूरत है, वो आसानी से खेल सकता है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लॉन बॉल खेल को खेलें, ताकि आने वाले समय में जो उपलब्धियाँ इस खेल में जो यंग लड़कों को मिलना चाहिए, जैसे सबसे बड़ी बात रहती है ओलंपिक संघ में मान्यता प्राप्त है, मतलब भारतीय ओलंपिक संघ के जोशी जी जो है रेडियो मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे आगे बढ़ें। इसका किस प्रकार ये खेल खेला जाता है और क्या भविष्य है इस खेल का? लास्ट 3 कॉमनवेल्थ गेम्स या तो खेल ही पार्टिसिपेट कर ही रहा हूँ, आज उस कॉमनवेल्थ ने सेमीफाइनल तक पहुँच रहा है। सेमीफाइनल में 1-2 पॉइंट वजह से हार रहे हैं, नहीं तो मेडल चुकता नहीं। रेस के बाद भी ऑस्ट्रेलिया से मैं आसाम से आया हूँ। मध्य प्रदेश लॉन बॉल एसोसिएशन का ये लक्ष्य है कि आगामी 36वीं नेशनल गेम्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश दोनों वर्गों में अपना स्थान कायम कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे।